हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संविदा वर्ग 2 2012 के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ये सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से हैं, तो यदि आप संविदा वर्ग 2 2012 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसमें आंसर है बी 29। अगला, वर्तमान लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर है डी 13। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्तावकों व अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 50 बी। सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर है बी 71%। सूर्य की आयु कितनी है? तो इसका आंसर है बी 5 मिलियन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है सी बृहस्पति। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी पृथ्वी को। किन दिनों पृथ्वी पर दिन व रात बराबर समय में होते हैं? तो इसका आंसर है डी 23 सितंबर व 22 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है डी मालदीव। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर है पेरिस सी। राष्ट्रीय विकास की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है, एक मिनट, इसमें आंसर ही नहीं दिया। 1950 में हुई थी इसकी स्थापना, तो इसमें कोई आंसर ही नहीं दिया है सही। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। इसका सही आंसर है 1950। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना द्वारा लागू किया गया? तो इसका आंसर है ए प्रथम। योजना आयोग परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है बी प्रधानमंत्री। विज्ञान अंतः चेतना के अभाव में आत्मा का हनन करता है, कथन किसका है? तो इसका है ए रेबलिस। निम्नलिखित में से किसे शुद्ध समाज विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है डी शिक्षा। निम्न में से किसे अर्ध समाज विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसका है ए दंड विज्ञान। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देशक के परिणामों को जांचने के लिए शिक्षक, बालकों, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित है, ये कथन किसका है? तो इसका आंसर है सी जॉन यू माइकेलिस। अगला है, किसने कहा कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ए कर्लिंगर। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन परीक्षा प्रविधि से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बी शारीरिक परीक्षा। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? तो इसका आंसर है ए सभी डी।
एमिल नामक ग्रंथ की रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सी, रूसो। निम्न में से कौन सा अनुसंधान उपकरण परिप्रेक्ष्य आकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, अवलोकन। प्रश्नावली के विषय में किसने कहा है कि प्रश्नावली मूल रूप से प्रेरणाओं का समूह है जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं? तो इसका आंसर है बी, जॉर्ज युंडबर्ग। निम्न में से कौन सी प्रश्नावलियों के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, आदर्श प्रश्नावली। एक अच्छी प्रश्नावली के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर है डी, प्रश्न उपकल्पनात्मक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर है बी। एक मिनट, इसमें कुछ सॉरी, ये इसका आंसर है डी, इसमें ये दिया है प्रश्न उपकल्पनात्मक होने चाहिए, इसका आंसर है डी। ठीक है, अब आता है अगला। प्रश्नावली प्रणाली से निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता? तो इसका आंसर होगा बी, निर्देशन के लिए उपयोगी। निम्न में से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? तो इसमें होगा यांत्रिक अनुसूची। ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ए, 10। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें दो दो दे दिए हैं, चाणक और कल्हाड़, ये दोनों एक ही हैं, तो इसका कर लो बी। जब हैनसांग भारत आया तब भारत का शासक कौन था? तो इसका होगा हर्षवर्धन, सी है इसका आंसर। अब वैदिक काल में जन के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी, राजन। राणा कुंभा के चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किस पर विजय के उपलक्ष में बनवाया था? तो इसका आंसर है बी, मालवा के महमूद खिलजी। आगे चलते हैं। सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये है बाबर एवं इब्राहिम लोदी, इसका आंसर है डी। अगला है, किस मुग़ल सम्राट ने पहली बार अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ये जहांगीर ने दी थी, इसका आंसर है बी। सन 1905 में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है बी, बंगाल का विभाजन। सन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसका विशेष महत्व ये है कि उस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया था, इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं। ये हो गया, इसका आंसर बी था, ये दोबारा आ गया। अब सन 1932 में पृथक निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में पूर्ण समझौता संपन्न हुआ, इस समझौते में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? तो इसका आंसर है बी, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है सी,
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला है, पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत है वह किस वायुमंडलीय परत में है? तो इसका आंसर होगा बी, यह है समताप मंडल। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो पिछली साल थे तब जो इलेक्शन नहीं हुए थे, पृथ्वी, ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है तो उस टाइम थे वो, तो डी पृथ्वीराज चौहान। गुलीवर्स ट्रावेल्स के लेखक हैं? तो गुली, एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, जोनाथन स्विफ्ट। आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है डी, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो ये इसका आंसर है वर्ष 1949 में। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है अगला, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की छाप हमारे संविधान के किस अंग पर प्रमुख दिखाई देती है? तो इसका आंसर है सी, भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है? तो इसका आंसर है बी, बी आंसर है, ठीक से नहीं लगा। भारत में किसी भी जगह रहने व बसने, आवास एवं निवास का अधिकार। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के, ये हो गया भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है? तो इसका आंसर था बी, ये हो चुका है। अब अगला, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति है? तो इसका आंसर है स्थिति में, तो इसका आंसर है सी, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य इन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर, आय पर कर, तो इसका आंसर है सी, केंद्र सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाता है किंतु इसका निर्धारण मानकों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र देशों के संबंधों को परिभाषित करने हेतु भारत ने एक 5-सूत्रीय फार्मूला सुझाया था जिसे पंचशील के नाम से पुकारा गया था। भारत ने इनके अनुरूप 1954 में पहला पंचशील समझौता किस देश के साथ किया था? तो ये है चीन। ए, निम्न संशोधनों में से किसे लघु संविधान कहा गया? तो इसका आंसर है ए, 42वां। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के किन अंगों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है बी,
सुरक्षा परिषद एवं महासभा। ब्लॉगिंग में ब्लॉग करने वाला अपने कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से, तो इसका आंसर है ए, अपने विचार, सूचना, फोटो आदि को नेट पर डाल देता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, ये ब्लॉगिंग वाला हो गया था, इसका आंसर ये ए था। अब नेक्स्ट, पावर हाउस से बिजली को अक्सर प्रत्यावर्ती धारा के रूप में 33,000 वोल्ट या अधिक पर संचरित किया जाता है। इतने ऊंचे वोल्टेज पर बिजली का संचरण करने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है बी, ऊंचे वोल्टेज पर संचरण में कम शक्ति का व्यय होता है। लोकसभा के स्पीकर का मासिक वेतन कितना होगा? तो इसका आंसर है बी, 1,25,000। कौन सा प्रांत गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर है ए, मणिपुर। किस देश में जनमत संग्रह तथा आरंभन अभी भी बहुत लोकप्रिय है? तो इसका आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं, सॉरी एक और। निम्न में से लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये आंसर है सी, राजनीति दल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। अभी मैंने ये सोशल साइंस का पेपर डाला है, अभी मुझे इस पे हिंदी और इंग्लिश का भी डालना है। अभी मैं जो पेपर डाल रही हूँ वो है 2012 का। तो यदि आपको ये पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।